तो भाई भाग जा फिर, कल मेरी फ्रेशर्स पार्टी तो है ना, कल नहीं मिल पाऊंगी। हाँ तो फैल पहले क्यों रहा है, तू फैल क्यों रहा है, रुक तो जा, सोचने देना। तू एकदम ऐसे बताएगा मैं क्या रिएक्ट करूँ तुझे। तेरे पास आ जाऊंगा यार, तेरे ओ को भाई ओ सुन, ठीक है भाई भगा लाई हो तो चल मैं सुला लूंगी। तो वही ना, एक दिन पुलिस का छापा पड़ गया तो भाई जेल में। ओ शिट, हेलो। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल रज अनपैक्ड। आई एम रज चौधरी। और गेस व्हाट, आज की वीडियो में ये नहीं कहने वाला दैट आई एम व्लॉगिंग टुडे, क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं प्रैंक कॉल। जी हाँ, मैं आज करूंगा एक प्रैंक कॉल अपने एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड को। यार मैं उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी ना, कुछ टाइम पहले मैंने एक ब्लॉग डाला था जिसमें मैंने आपको एक्सप्लोर कराई थी अमीरों की सरोजनी। स्क्रीन पे मैंने उसको ऐड कर दूंगा, आप देख लेना। अगर नहीं चेकआउट कर तो चेकआउट कर लेना। तो उसके अंदर भी वो थी वीडियो में, बट उसने उस वीडियो में भी अपनी आइडेंटिटी नहीं दिखाई थी। तो विदाउट उसका नाम लिए हम उसको करते हैं प्रैंक कॉल और कंटिन्यू करते हैं प्रैंक वीडियो को। तो यार अब करते हैं उसको कॉल, और मुझे कोई आइडिया नहीं, मैंने एकदम रैंडम से क्लिक हुआ है मेरे माइंड में ये प्रैंक कॉल वाला। तो मैं सोच रहा क्यों ना उसे प्यार वाली प्यार मोहब्बत की बातों को लेकर प्रैंक करा जाए कि मुझे किस लड़की से प्यार हो गया ऐसे ऐसे। अब देखते हैं वो मुझे एक अच्छे दोस्त की तरह सही सलाह देती है किसी और रास्ते पे चलाती है। तो करते हैं कॉल। हेलो। हाँ भाई, अपनी जरूरी बात, अगर जरूरी नहीं निकली जिस हिसाब से तूने मुझे फील दिया है। क्या यार मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ नहीं भाई, रो मत, क्या हुआ? यार, मैं तुझे क्या बताऊँ यार। मैं ना मतलब बहुत टाइम से एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में था। अगर तुझे कुछ हिंट हुआ हो मेरे उससे, अच्छा अगर तूने मेरी कुछ लास्ट वीडियो भी देखी हो ना, तो हाँ, उसमें भी मैंने थोड़ी वो रोती हुई जगाया सी था है। यार। उसके साथ मेरा ब्रेकअप हो गया यार, लेकिन करना नहीं था मुझे ब्रेकअप। अच्छा, अब बहुत ज्यादा याद आ रही है यार उसकी, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। एक तो ब्रेकअप का ऑप्शन ये है, रीजन या ब्रेकअप का रीजन ये है, वो चाहती है मैं घर से भाग जाऊं उसे लेके, है? क्योंकि वो मतलब उसके फैमिली वाले और मेरे फैमिली वाले कभी एग्री नहीं होंगे हमारे वही है क्या वो कौन। जिसको अब पागल है क्या, कोई और है तो भाई भाग जा फिर। यार, कुछ अच्छा सजेस्ट कर दे यार। मैं इतना टेंशन में हूँ, मैं दाग सूझ रही है सबको। मैंने सोचा था तू एक अच्छी है अच्छा दोस्तों की। रुक जा भाई, रुक जा बताती हूँ। यार तुम्हें तो हंसी आ रही है। हंसी नहीं आ रही भाई। मैं यार, लड़की भागने को तैयार हो रही है, मैं क्या रिएक्ट करूँ इस पे? यार तो एक तो या तो उसे लेके भाग जाऊं, हाँ या फिर ये रिलेशनशिप एंड हो जाए। और एंड यार मैं कर नहीं सकता, क्योंकि बहुत वो है मेरे दिल में यार उसे लेके। 2 दिन भी नहीं हुए भी मेरी बात, मतलब ऐसे थोड़ी बहुत तो हो रही है, हाँ लेकिन यार बस मैं क्या बताऊं, मेरा कहीं भी मन नहीं कर रहा। मैं कुछ गलत कदम ना उठा लूं यार, मन कर नहीं रहा है भाई, तू कहीं भाग पागल है जाऊं क्या? घर खुद छोड़ के तो उसे इतनी ना। सक्सेसफुल लाइफ हो चुकी है, अब तेरी अम्मा तो उठाइयो कुछ भी। यार क्या करूं यार, मैं तेरे पास आ रहा हूं, मेरा घर मन नहीं लग रहा यार, मेरे सबसे लड़ने को मन कर रहा है। नहीं सुनना, तू मेरे पास आ जा परसों। अबे परसों तक तो मैं जिंदा भी नहीं अबे रहूंगा कल मेरी फ्रेशर्स यार। पार्टी है ना, कल नहीं मिल पाऊंगी, इसलिए कह रही परसों आ जाइयो। यार तुम्हें तुम्हारी पार्टी की पड़ी हुई है यहाँ, किसी की जिंदगी दांव पे लगी हुई है, तुम्हें पार्टी की सूझ रही है। भाई ऐसा क्या उस बंदी ने कर दिया जो तू मरने मारने को तैयार हो रहा है? यार 5 साल से ज्यादा का रिलेशनशिप है ये कब चल दिया? मैं कहाँ थी? यार, बस क्या बताऊं, बहुत नाम प्राइवेट रहे बताइयो हैं। नाम। उसका नाम भी खुशी ये है, वैसे खुशबू है, खुशबू अच्छा वैसे प्यार ओके से खुशी बोलते हैं ओके ओके, और प्यार से खुशी भी बोल सकते हो, मुझे बोलते हैं। यार। तू पागल है क्या, तुम मजाक सूझ रहा है इतनी रात में। अच्छा नहीं मैंने भाई, तुझे वैसे 10:30 बजे कॉल करी और तुझे मजाक सूझ रहा, बता यार। अच्छा भाई रुक जा, यार अगर तुझे सोचने नहीं दे कुछ हेल्प करनी है तो बता दे, मैं कुछ और देख लूंगा, बैठ के भाई, रो रुक लूंगा जाना। तो अकेले फैल में। क्यों रहा है, तू फैल क्यों रहा है, रुक तो जा, सोचने देना। तू एकदम ऐसे बताएगा मैं क्या रिएक्ट करूँ तुझे। तेरा मूड अच्छा करने के लिए कर रही हूँ मैं तो भाई। यार नहीं हो सकता ना मूड अच्छा, मैं खाना भी नहीं खा रहा यार। मैं क्या बताऊं, मैं घर में सबसे लड़ रहा हूँ, बाहर मैं नहीं जा रहा। देख रही है तू मेरा आजकल कैसे चल रहा है, मेरे ब्लॉग भी देख रही हो कैसे कैसे आ रहे हैं। हाँ, अच्छा सुन फिर, भाग तू सकता नहीं है, रिलेशन यार क्यों नहीं भाग भी सकता तूने, यार, तो उसे यही ऑप्शन है, बोलना मैं कि भाग थोड़े ही रहा टाइम हूँ। रुक जाओ, मैं मुझे यार यहाँ से सक्सेस भाग होने जाऊंगा, दो। मैं तो यार भाग जाऊंगा उसे लेके, भागूंगा या अकेले हाँ भागूंगा। कहाँ अगर पे अकेले भागोगे भागूंगा तो ही फिर? बढ़िया है, चलो भाग लिए, थोड़ी देर में थक गए भागते भागते। अब तेरे पास आ जाऊंगा यार तेरे ओ को। भाई ओ सुन, अबे मैं रुक तो नहीं जा। रह सकता, वो तो रह हाँ सकती है तेरे पीजी में, लड़की है वो तो।
भाई आंटी को क्या बोलूंगी, किस क्या है मेरी भाभी। कुछ भी बोल दियो यार, मेरे लिए इतना नहीं कर सकती, मैं फुटपाथ पे सो जाऊंगा बाहर। ठीक है भाई भगा लाइ तो चल मैं सुला लूंगी। और बताओ यार मैं सीरियस हूँ, मजाक नहीं कर रहा मैं। अब हद है, अभी तूने कहा अपने पास रख लिया, अपने पास रख रही हो कह रहा है, मजाक नहीं कर रहा। हाँ फिर ठीक है यार। वैसे एक बात बता, हाँ ये जो कोर्ट मैरिज होती है कैसे होती है, कुछ पढ़ा है तूने इसके बारे में? कोर्ट मैरिज नहीं भाई, जब करूंगी बता दूंगी, अभी तो नहीं कुछ पता मुझे। यार मैं तो जिंदगी के एक मतलब वकील पकड़ो, उससे बात करो, सर हमें कोर्ट मैरिज करनी है, उसको पैसे दो वो करा देगा आपकी। तू ना करियो यार कोर्ट मैरिज, मैं इन चक्करों में पड़ के बहुत दुखी हो रहा हूँ यार। ना जिंदगी ऐसी रही ना वैसी रही, भाई झंड तूने कर कोर्ट मैरिज कर ली क्या? लूंगा यार, बस यही सोच रहा हूँ भाई कोर्ट मुझे तो मैरिज। बुला लियो कम से कम, क्योंकि एक वो चाहिए होता है जिसके अंडर आप कोर्ट हाँ मैरिज कर गारंटी रहे हो। सही होती है ना, मैं भी सोच रहा था हाँ तुझे ले चलूंगा यार एक गारंटी हाँ पे, बस तेरा हाँ नाम नंबर और साइन ही तो होंगे कि कोई तेरी बात नहीं मौजूदगी भाई, में मैं कोई। जीमेल, मैं अपनी जीमेल ईमेल भी दे दूंगी, मेरे यार पास ही तो तुझे मैसेज तो आएगा बड़ा। मजाक, यार मजाक मत कर अबे कुत्ते, अभी तो तू कह रहा है, एक तो मैं तेरे विक्टिम बनने को तैयार हूँ, यार, कोई मुझे भाव ही नहीं बनने का। कोई रुक जा नहीं मैं सुहेल तेरे भाई को कॉन्फ्रेंस में लेती हूँ, वो समझेगा। समझता तेरे भाई सुहेल को कॉन्फ्रेंस में लेती हूँ। अरे तुम्हें, समझ तो बिल्कुल गंदी एक्टिंग है मेरी, बहुत तुझे चुट रही है, तुझे बता रही हूँ। आएगा क्या? तू बिल्कुल नहीं रो पा रहा तू कुत्ते। हंस यार कोई रो रहे, रहा मुझे है पता मुझे। तेरे चेहरे पे गंदी स्माइल आ रही है। एक मिनट मेरी वीडियो कॉल उठाइयो। रहता भाई बिल्कुल नहीं रो पाया, सच बता रही हूँ, मान जा, मत कर मजाक। यार नहीं कर रहा मैं, मजाक यार तुम्हें सीरियस क्यों नहीं हो सकते खाना तुम खाना, कभी मम्मी कसम, यार? कसम से, मम्मी कसम, मम्मी कसम खानी छोड़ दी मैंने, बाबे जा मेरी मम्मी कुत्ते, भी यही मेरी बात तड़िया नहीं तू। मानती, जब से मेरी मम्मी ने मेरी बात माननी छोड़ दी मैंने मम्मी कसम। हाँ भाई यही आप पकड़े गए, सॉरी। अब आप मुझे कितना भी फूल बना लो, नहीं, शिवा ने मुझे इतनी ठोकर दे दिया ना, मैं पक्की हो चुकी हूँ, फूल नहीं बनती अब मैं। यार अबे कस सुनना, ठोकर यार ज्यादा है, शिवा ने 3 दिन पहले मुझे बनाया फिर से पागल। यार तुझे मुझे दूसरों के मजाक की सूझ नहीं है, यहाँ मैं सही में टेंशन में बैठा हूँ यार, तुम्हें समझ नहीं आता एक बार की सॉरी भाई, मैं क्या बोलूँ, मैं तुझे कोर्ट बात। मैरिज ना तुम्हारे सजेस्ट साथ नहीं हमने मजाक करूंगी। बहुत करे है, लेकिन ये थोड़ी, अगर कोई बंदा सीरियस है, मैं 10:30 बजे तेरे से मजाक के लिए कॉल करूंगा, मेरे पास और कुछ हाँ काम क्योंकि तेरे नहीं को है। नींद नहीं आ रही होगी। ये पागल है क्या तू? मैं नींद की गोली लेके सो रहा हूँ पिछले 2 दिन से। ऐसा क्या? ठीक है भाई रुक जाओ, कोर्ट मैरिज तो करियो मत। और पर एक मिनट, तो उसको यार थोड़ा मैं, टाइम क्यों, अच्छा मैं उसे भुलाना भी चाहूँ तो कैसे भुलाऊँ यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरे तो, टेक्स्ट पे बोलना। देख सुन मेरी बात सुन, हाँ मैं उसे लेके नहीं भागना चाहता, क्योंकि ऑलरेडी ना बहुत, मतलब यार मेरी भी एक रिस्पेक्ट है, मेस फैमिली की डब भी हो बहुत जाएगा सब, रिस्पेक्ट है, पब्डब हो ये जाएगा, कदम और उठा भी लिया तो कहाँ जाएंगे? वही ना। ठीक है स्टेबिलिटी इतनी है, खाना खा लेंगे, लेकिन रहने का क्या? दिल्ली जैसे में रहेंगे, पकड़े जाएंगे, ओयो भी महंगा होता है, कितने दिन रहेंगे उसमें भी? वही ना, एक दिन पुलिस का छापा पड़ गया तो भाई जेल यार इतने गंदे मजाक कर रहे हो ना तुम मेरे, इस टाइम पे मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रही। बहुत जोर दिया इस बात पे। दुख पे जो हंसता है ना उसे बहुत पाप मिलता है, पता है? पर लेकिन जब सच हो तभी तो पाप मिलता मजाक होगा। मजाक ऐसा होता है जिसपे सामने वाला भी हंसे तुम भी हंसे, एक तरफा का मजाक नहीं होता कि तू हंस रही है यहां मैं बैठा रो रहा हूं। भाई ठीक है सॉरी, अब नहीं हंसूंगी यार पक्का। क्या, सॉरी सॉरी, बैंडेज डोंट फिक्स बुली होल्स। भाई तू मेरे से पूछ रहे, मैं क्या बताऊँ? देख सुन, मैं तेरे को कोर्ट मैरिज सजेस्ट नहीं करूंगी, भागना मैं सजेस्ट नहीं करूंगी, मम्मी पापा की इज्जत ज्यादा जरूरी है एक लड़की से, बहुत ज्यादा ऊपर है। ठीक हाँ है, एक लड़की कुछ नहीं कर पाई होगी इतना 5 साल में, तेरे मम्मी पापा तेरे साथ 20 साल से हैं, थोड़े ये भी सही कह रहे, मैं भुलाऊं कैसे उसे? यार दिन बिजी हो जा, काम धंधे में लग जा, अपने आप वो भूल तो जाएगा। वैसे भी लगाऊं लेकिन मन नहीं लगता काम में मन लगेगा, रुक जा, मैं कुणाल को, शिवा को, शुभम को, सबको मैसेज करती हूँ, तेरा मन लगाने आ जाएंगे सारे। यार, थोड़ी सी पागल है क्या? तो अबे दोस्तों में तो मन लगता है भाई, कर रहा था मैंने तुझे कॉल, तो फिर अब यार मैं तेरे को गंदी सलाह थोड़ी दे सकती हूँ। ये भी सही है। वैसे गंदी सलाह तो नहीं दे सकती, लेकिन मैं तो तेरे साथ प्रैंक कॉल कर सकता हूँ सामने, वीडियो बना के यूट्यूब के लिए। ओह शिट, तूने प्रैंक कॉल थी ये? प्रैंक कॉल थी और सामने रिकॉर्ड हो रही है कैमरे में, से हाय।
हाय, मेरे साथ प्रैंक हुआ है बोलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो इसकी वीडियो को। भाई गाइस। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो रजा भाई की वीडियो को। साहब, तूने क्या मेरी एक वो पर्सनल बात बोली है ना, अभी मैं नाम नहीं बोलूंगा ना, तू ही बोलियो, चुप समझ लियो। वो जो तूने पर्सनल बात बोली है ना, उसे मैं काटूंगा, अगर वो किसी ने देख लिया ना, मैं लपड़ पड़ेंगे बहुत तेज तेज। अच्छा, समझ गई कौन सी पर्सनल बात थी। वो स्टार्टिंग का पीस हो जाएगा वीडियो वहां से। हाँ मैं वैसे समझ मेरे गई। मैंने स्टार्टिंग में ना वीडियो के तेरे नाम नहीं बताया था, मैं चाहता नहीं था तेरी आइडेंटिटी बताऊं, नाम बताऊं या ना बताऊं। कोई नहीं है, इस नाम के तो बहुत लोग होंगे। हाँ, ये है छोटी, इनका नाम है खुशी। ओके कल हेलो गाइस। इनकी फ्रेशर से मतलब तेरी फ्रेशर से इम्पोर्टेंट है, अगर सीरियसली मेरे साथ कुछ होता मेरी कल फ्रेशर है, कल मचाइयो परसों मिलते हैं। अबे तो फिर मैं यार कैसे, मैंने पैसे दे रखे हैं प्रेशर में, तेरा फैसला तो परसों भी हो जाता। भाई देख रहे हो, दोस्ती में आज फिर पैसे आने लग गए बीच में, एक फ्रेशर क्या होगा इस और तेरे देश का। दिमाग में कैसे आई है मेरे साथ प्रैंक कॉल करने की बात? बस यार आ गई, मैंने सोचा, मैंने कहा एकदम बैठे बैठे मैंने वीडियो लगाता हूँ दूसरे फोन में, इस फोन से मिलाते हैं कॉल और करते हैं प्रैंक वीडियो शूट, ओके मजा आया। वैसे कल तेरी फ्रेशर्स में हमें बुला ले, आ जा भाई। एंट्री फीस कौन देगा? तू तू को मारा है कौन सा, मैं कमा रही हूँ? ऐसे नहीं हो सकता है कि एक कार्ड पे दो की एंट्री हो जाए, आधा आधा खा छह लेंगे। परिवार ने बुलाया ना उन्होंने। अबे आधा तेरी प्लेट में से खा लूंगा। चल भाई ठीक है, आके देख ले तो बाउंसर खड़े होंगे बाहर। ठीक है मुझे मत बोलियो फिर अबे तू तो छोटी सी है, मेरे पीछे छुप जाइयो। चल भाई, लेकिन उसमें नाम तो लड़की का लिखा हुआ है ना पास पे। अब या तो तू खुशी ठीक शर्मा बन के जा। है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ यार इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आएगी तो खुशी क्या करना है, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। खुशी कुछ कहना चाहेगी जाते जाते हाँ वीडियो में? बाय बाय गाइस। बाय बाय गाइस।